हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके साथ ही व्रत कथा का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। इस दिन के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए कामदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कामदा एकादशी तिथि। हिंदी पंचांग के अनुसार इस महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह सुबह 4:30 से शुरू होगी और ये तिथि 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 12 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। कामदा एकादशी पूजा मुहूर्त। कामदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातः 5:59 से सुबह 8:35 तक है। इसी अवधि में रवि योग भी है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप सर्वार्थ सिद्ध योग में करें, ये बहुत ही फलदायी है। कामदा एकादशी पूजा विधि। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके अलावा रात में भगवान विष्णु की आराधना करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। कामदा एकादशी के व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो लोग श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे अवगुणों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।